हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक आचार्य परीक्षा 2024 का पेपर टू का हिंदी का दोस्तों महामैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का 10 चैप्टर को कम्प्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक ही वीडियो में दोस्तों हम लोग 10 चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे। दोस्तों, पुस्तक आरोह भाग टू का काव्य खंड में जितना भी है 10 चैप्टर सारे दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिसका पेपर टू में हिंदी है। ठीक है, चलिए हम आपको सबसे पहले सिलेबस को दिखा देते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम आप लोग के सिलेबस में आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ पर पुस्तक है आरोह भाग टू। दोस्तों, आरोह भाग टू का जितने भी काव्यखंड में पढ़ना है सारे हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाए दोस्तों काव्यखंड में टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग एक नज़र चैप्टर पर डाल लेते हैं हम लोग कौन कौन सा कवर करने वाले। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर दोस्तों वह है आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसका लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। जिसका लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। आप लोग दोस्तों लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों आप लोग देखने को मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर दोस्तों वह है पतंग, जिसका लेखक है आलोक धनवाजी है। चैप्टर थ्री है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, इसका लेखक दोस्तों कुंवर नारायण। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर चार कैमरे के बंद अपाहिज, जिसका लेखक है रघुवीर सहाय। चैप्टर फाइव है सहर्ष स्वीकार है, जिसका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। चैप्टर सिक्स है उषा, जिसका लेखक है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। और चैप्टर सेवन है बादल राख, जिसका लेखक दोस्तों निराला जी है। और चैप्टर आठ है कवितावली, जिसका लेखक दोस्तों तुलसीदास। और चैप्टर नाइन है रुबाइया गजल, जिसका लेखक है फिराक गोरखपुरी। और चैप्टर दस है छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, जिसका लेखक दोस्तों उमा शंकर जोशी। ये 10 चैप्टर दोस्तों हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस टाइम में आप लोग अगर मेरा महामैराथन वीडियो कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आते हैं सीधे चैप्टर में करते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर दोस्तों वह है आत्म परिचय, जिसका लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। आपके बीच दोस्तों चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चारों में से कोई एक सही होगा जिसमें आपको टिक लगाना है। चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1907, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, सन 1907। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में, और क्वेश्चन नंबर तीन है हरिवंश राय बच्चन प्राध्यापक के पद पर कार्य किया, यानी प्रधाना अध्यापक के पद पर कार्य किया कहाँ पर। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार में। क्वेश्चन नंबर चार है हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में कैसे विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया, कैसे विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। दोस्तों हिंदी भाषा विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में। क्वेश्चन नंबर पाँच है बच्चन जी की किस रचना को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। बताना है बच्चन जी की किस रचना को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो वह खंड दोस्तों बच्चन ग्रंथावली, यानी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का
डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इस काव्यांश से ली गई, यानी किस काव्यांश से ली गई है बताना है। टेस्ट तो ये मधुरशाला से लिया गया है, मधुशाला। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्म परिचय काव्यांश हमारी किस पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। आत्मपरिचय काव्यांश हमारे किस पाठ्य पुस्तक में वर्णित है दोस्तों, ये देखेगा आरोह भाग 2। अभी हम सिलेबस जब बता रहे थे तो वहाँ बताए थे आरोह भाग 2। एंड ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मपरिचय कविता के द्वारा कवि की चाह क्या है। आत्मपरिचय कविता के द्वारा कवि की चाह क्या है दोस्तों, तो बताना है। कवि की चाह दोस्तों वह है आत्मा का परिचय, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों साथ साथ में ही याद करते जाना है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, आप 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छा से तैयारी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संसार के सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, याद रखें दोस्तों समय के साथ चलते हुए दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य को किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। मनुष्य को किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, दोस्तों समय के साथ। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों पतंग। चैप्टर नाम क्या है दोस्तों, पतंग, जिसका लेखक है आलोक धनवा जी। इसका लेखक कौन है दोस्तों, आलोक धनवा जी इसका लेखक है। ठीक है, चलो लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता के रचनाकार का क्या नाम है। दोस्तों इसका आंसर तभी जस्ट बता दिए, आलोक धनवा जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपका लाइक कमेंट देख कर दोस्तों हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप मेरा मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मृदंग शब्द का क्या अर्थ है। मृदंग शब्द का क्या अर्थ है, क्या दोस्तों मृदंग शब्द का अर्थ है नगाड़ा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत कविता में पुलो शब्द का क्या अर्थ है। प्रस्तुत कविता में पुलो शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों बौछारे। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है। कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है, तो ऋतु दोस्तों शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है। कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, तो लाल सवेरे को। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरद ऋतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में क्या लेकर दौड़ पड़ते हैं, तो पतंग। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत कविता में कौन साइकिल चलाते हुए आता है। प्रस्तुत कविता में कौन दोस्तों साइकिल चलाते हुए आता है, तो दोस्तों शरद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 8 नंबर, कपास शब्द किसका प्रतीक है। कपास शब्द किसका प्रतीक है, तो कोमलता का, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास जो शब्द है दोस्तों वो कोमलता का प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, दोस्तों लाल के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था।
कवि आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बच्चे पतंगों के साथ साथ किस के सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो दोस्तों कल्पना के सहारे। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कल्पना के सहारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे समय भी उड़ते से हैं? बताना है पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे समय भी उड़ते हैं? तो दोस्तों रंध्रों के सहारे, रंध्रो। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का फाइनली 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर थ्री। दोस्तों कविता के बहाने बात सीधी थी पर, चैप्टर नाम क्या है? कविता के बहाने बात सीधी थी पर, जिसका लेखक है दोस्तों कुंवर नारायण। इसका लेखक कौन है दोस्तों? कुंवर नारायण है, ठीक है। हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताना है कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। सन 1927, सन 1926, सन 1925, सन 1920, बताना है कौन सा वर्ष हुआ था? तो वर्ष दोस्तों 1927। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन है, कुंवर नारायण ने किस विश्वविद्यालय से एमए प्रतिष्ठा प्राप्त की? तना आपको कुंवर नारायण ने किस विश्वविद्यालय से एमए प्रतिष्ठा प्राप्त किया? तो वह विश्वविद्यालय दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 4 नंबर, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन कब आरंभ की? कुंवर नारायण ने काव्य लेखन कब आरंभ की? तो 1950 में। 1950 ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, कुंवर नारायण ने कविता के आलेख कैसी रचनाएं की? तो बताना है कुंवर नारायण ने कविता के आलेख कैसी रचनाएं की? तो पहला दिया हुआ है चिंता परक लेख, ऑप्शन बी है कहानियां, ऑप्शन सी है सिनेमा। दोस्तों ये तीनों ही ने किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें ए बी सी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छः है, कवि ने इस कविता में किसे सीमा रहित बताया है? तो दोस्तों कल्पना को बताया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत पाठ में कविता के उड़ान की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत पाठ में कविता के उड़ान की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन है दोस्तों चिड़ियों का कलरव से, बी है मनुष्यों की विचारधाराएं, सी है चिड़िया की उड़ान, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रस्तुत पाठ में कविता की उड़ान की तुलना दोस्तों चिड़िया की उड़ान से किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, प्रस्तुत कविता में महकना का अर्थ क्या है? दोस्तों इस कविता में महकना का अर्थ है खुशबू। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन है, कवि ने इस कविता में विचारों एवं कल्पना को लिखने की तुलना किससे की है? बताना है कवि ने इस कविता में विचारों एवं कल्पना को लिखने की तुलना किससे की है? तो फूलों से किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 नंबर, कवि ने इस कविता में किस पर बयान किया? दोस्तों तो इतिहासकार नहीं, रचनाकार नहीं, साहित्यकार नहीं, तीनों में से किसी में नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, इस कविता की भाषा कैसी है? मुहावरेदार, लोचदार, पेचीदार या कल्पनाशील? दोस्तों इस कविता की भाषा कल्पनाशील है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कविता के बहाने कविता के लेखक कौन है? दोस्तों इसका लेखक है वो नारायण, दोस्तों इसका लेखक कौन है वो नारायण है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 क्या है दोस्तों? कैमरे में बंद अपाहिज। चैप्टर नंबर 4 क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज, जिसका लेखक दोस्तों रघुवर सहाय इसका लेखक है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा हम पंखा को बंद कर लेते हैं, पंखा का आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता होगा। ठीक है, थोड़ा पंखा स्पीड चल रहा है। देखिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ हुआ था? तो बताना है रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है फैजाबाद, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है दोस्तों लखनऊ। बताना है कहाँ हुआ है था। दोस्तों याद रखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रघुवीर सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो वर्ष दोस्तों सन 1929। ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? बताना है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ है? तो दोस्तों 1990 में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, रघुवीर सहाय किस हिंदी समाचार विभाग में समृद्ध थे? बताना है रघुवीर सहाय किस हिंदी समाचार विभाग से संबंध थे, संबंध रहे हैं मतलब। दोस्तों वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुवर सहाय दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताना है रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया? पहला है कल्पना, दूसरा है दीनमान, तीसरा है नव भारत टाइम्स। दोस्तों ये तीनों का ही किया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रघुवीर सहाय पत्रकार के अलावे और किस प्रकार के कार्य किए? बताना है रघुवीर सहाय पत्रकार के अलावे और किस प्रकार के कार्य किए? दोस्तों सिद्ध कथाकार भी किए हैं और कवि का भी काम किए, यानी दोनों किए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना है? दोस्तों हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, रघुवीर सहाय, दोस्तों रघुवीर सहाय जी की रचना। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिसका कोई अंग खराब हो गया हो उसे कहते हैं? दोस्तों उसे अपंग कहते हैं, अपंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने प्रस्तुत पाठ में किस पर कटाक्ष किया है? बताना है कवि ने प्रस्तुत पाठ में किस पर कटाक्ष किया है? दोस्तों यह किया मीडिया पर किया है, मीडिया। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत कविता में वास्ते का अर्थ क्या है? वास्ते का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वास्ते का अर्थ है के लिए, के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि के अनुसार दूरदर्शन अपने स्वार्थवश क्या गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है? दोस्तों ये गलत कर रहा है अपाहिज को अपमानित, अपाहिज को अपमानित। ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कविता में किसकी पुनरावृत्ति से कविता का आकर्षण बढ़ गया है? कविता में किसकी पुनरावृत्ति से कविता का आकर्षण बढ़ गया है दोस्तों? तो हम का पुनरावृत्ति से कविता का आकर्षण बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आप चैप्टर नंबर 5 पे। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। ठीक है, लिखना है वहाँ पर सुधीर
क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिलने में थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है, एक आध दिन समय लग सकता है, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाके जुड़ जाना है, ठीक है, मेरे ग्रुप में। देखिए क्या है चैप्टर 5 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद किया, मध्य प्रदेश में सयोपुर ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ, मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ। दोस्तों वो वर्ष है 1917। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ है। दोस्तों उनका निधन हुआ है 11 सितंबर 1964 में। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गजानन माधव ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों नया खून, दोस्तों गजानन माधव ने नया खून पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध की निम्न में कौन रचना है, बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध की निम्न में से कौन रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी। दोस्तों ये तीनों ही हैं, ठीक है, यानी इनमें ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मुक्तिबोध की कविताएं कैसी होती है। दोस्तों मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोग वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि सारा आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, गजानन माधव ने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू की, अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू की। दोस्तों शिक्षक से। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकार है के लेखक कौन है, प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकार है के लेखक कौन है। दोस्तों इसका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकार है का अर्थ है, प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकार है का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों खुशी से स्वीकारना। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कवि के अनुसार भूलने का दंड किस रूप में स्वीकार करना चाहिए, कवि के अनुसार भूलने का दंड किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो यह दोस्तों पुरस्कार के रूप में। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि ने किसे कहा कि मैंने जीवन में सुख दुख सहर्ष स्वीकार लिया, बताना है कवि ने किसे कहा कि मैंने जीवन में सुख दुख सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों अपने इष्ट को कहा, अपने इष्ट। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है, कविता में वर्णित वैभव का अर्थ क्या है, कविता में वर्णित वैभव का अर्थ क्या है। दोस्तों कविता में वर्णित वैभव का जो अर्थ है दोस्तों वह है संपत्ति। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर 6 में, ठीक है, हम लोग दोस्तों चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग आ गए दोस्तों चैप्टर 6 में। चैप्टर दोस्तों 6 है, उसका नाम है उषा, जिसका लेखक दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह इसका लेखक है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन का ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको तो पता होगा पेपर 2 जो है दोस्तों ये आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, ठीक है, पेपर 2 दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, है ना।
जो पेपर वन था दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाई करना था, लेकिन पेपर टू ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर टू जितना अच्छा आपका नंबर आएगा उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वो वर्ष है 1911। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, पहला है कुछ कविताएं, दूसरा है इतने पास अपने, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहादुर सिंह की रचनाएं दोस्तों कुछ कविताएं, इतने पास अपने, ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, शमशेर बहादुर की निम्न से कौन एक रचना नहीं है, यहाँ में से कौन एक रचना नहीं है शमशेर बहादुर की? ठीक है, पहला है शहर स्वीकार करना, ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बात बोलेगी ये है, कुछ कविताएं ये भी है, काल तुमसे छोड़ है मेरी ये भी है, ये तीनों दोस्तों नहीं है पूछा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर, अगला है दोस्तों ये जो है शहर स्वीकार है ये आखिर किसका है? दोस्तों शहर जो स्वीकार है ये गजानन माधव मुक्ति बोध का है, ठीक है, शमशेर बहादुर का नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 5 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया दोस्तों? यह क्या हिंदी उर्दू कोश का, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छः दोस्तों, कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कुछ कविताएं कब प्रकाशित हुई? जाना को कुछ कविताएं कब प्रकाशित हुई तो दोस्तों इस भी है 1961, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, शमशेर बहादुर सिंह को कौन सम्मान प्राप्त है? शमशेर बहादुर सिंह को कौन सम्मान प्राप्त है? पहला है कबीर सम्मान, दूसरा है प्रेमचंद सम्मान, तीसरा है ए भी दोनों, डी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों उनको दोनों सम्मान प्राप्त है, कबीर सम्मान और प्रेमचंद सम्मान, यानी ए भी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि थे? शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि थे दोस्तों? वे विचारों के स्तंभ पर, हाँ तो सही थे, प्रगतिशील शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी, हाँ ये भी थे, ठीक है, यानी ये भी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों, प्रस्तुत कविता किस समय के प्रकृति का शब्द चित्र है? प्रस्तुत कविता किस समय के प्रकृति का शब्द चित्र है दोस्तों? सूर्योदय के पहले का, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले किसके आगमन की बात कही है? बताना है प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले किसके आगमन की बात कही है दोस्तों? उषा का, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कवि शमशेर बहादुर सिंह में कैसे भावनात्मक लक्षण प्रतीत होता है दोस्तों? प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर सात दोस्तों, बादल राग के लेखक दोस्तों निराला जी हैं, ठीक है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला इनका लेखक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम लोग 10 चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दोस्तों गद खंड को सभी को कवर करेंगे, उसमें दोस्तों टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद जो वितान भाग 2 है जिसमें 4 चैप्टर है दोस्तों, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है, और सबका महामैराथन वीडियो आएगा। दोस्तों आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है
ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दोस्तों जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निराला कैसे कवि थे? कैसे कवि थे? आशावादी, प्रगतिवादी, छायावादी, कैसे कवि थे? दोस्तों निराला जी छायावादी कवि थे। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों देखिएगा मतबाला का, मतबाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चार, कवि निराला का जन्म कब हुआ था? कवि निराला का जन्म कब हुआ था? दोस्तों कवि निराला का जन्म सन 1899 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कवि निराला का निधन कब हुआ? निधन बताना है। दोस्तों निधन हुआ उनका 1961 में, ठीक है, 1961 में कवि निराला का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कवि निराला का निधन कहाँ हुआ था? बताना है कवि निराला का निधन कहाँ हुआ था? दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सात, बादल राग निराला की अनामिका नामक संग्रह में कितने खंड है? बादल राग निराला की अनामिका नामक संग्रह में कितने खंड हैं? दोस्तों इसमें टोटल 6 खंड है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस महामैराथन वीडियो में अगर कोई प्रश्न छूट जाता है मेरे से तो वो प्रश्न तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग को हम मिक्सअप एक वीडियो लाएंगे, मिक्स करके सारा चैप्टर से उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, उसका पीडीएफ बन रहा है, ठीक है, उसका पीपीटी रेडी हो रहा है। अगर वो रेडी हो जाता है एग्जाम से पहले तो उसमें एक और वीडियो लेके आएंगे जिससे सारा मिक्स प्रश्न रहेगा। जो भी प्रश्न छूटा हुआ है इंपॉर्टेंट प्रश्न वो चीज़ उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ है, कविता में रणतरी का आशय क्या है? आपको बताना है कविता में रणतरी का आशय क्या है? दोस्तों इसका आशय है युद्ध की नौका, युद्ध की नौका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कवि ने क्रांति दूत किसे कहा है? बताना है कवि ने क्रांति दूत किसे कहा है? ऑप्शन है दोस्तों प्राकृति, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है बादल, ऑप्शन डी में है चट्टान। आप लोग बताइए कवि ने क्रांति दूत की दूत किसे कहा है? दोस्तों कवि ने क्रांति दूत बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, बादल रूपी युद्ध नौका में कैसी शक्ति विद्यमान है? बताना है बादल रूपी युद्ध नौका में कैसी शक्ति विद्यमान है? दोस्तों देखिएगा भीषण क्रांति, विनाश करने की शक्ति, ये दोनों ही दोस्तों विद्यमान है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 है, बादल राग कविता की भाषा क्या है? बादल राग कविता की भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा है खड़ी बोली, ठीक है। कविता राग, बादल राग कविता की भाषा दोस्तों क्या है? खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, कविता में फिर में कौन सा अलंकार है? कविता में फिर में कौन सा अलंकार है? दोस्तों फिर में उपसा अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ठीक है। आप लोग सिलेबस में सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है कवितावली, ठीक है, यही चैप्टर है ना। इसका जो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, कविता में अच्छे बुरे कार्य का आधार क्या बतलाया गया है? कविता में अच्छे बुरे कार्य का आधार क्या बतलाया गया है? ऑप्शन ए है धन की आग, ऑप्शन बी है पेट की आग, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पेट की आग दोस्तों बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पेट की आग शांत करने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताए? बताना है
पेट की आग शांत करने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताएं? ऑप्शन ए है राम भक्ति, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी है शिव भक्ति, ऑप्शन डी है हनुमान भक्ति। दोस्तों पेट की आग शांत करने के लिए तुलसीदास ने राम भक्ति उपाय बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कविता में वर्णित किसबी का अर्थ क्या है? किसबी का अर्थ क्या है दोस्तों? पहला है नौकरी, ऑप्शन बी है जो रोजगार, ऑप्शन सी है धंधा, ऑप्शन डी है गुप्तचर। दोस्तों आपको याद रख लीजिएगा किसबी का जो अर्थ है दोस्तों वह है धंधा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों कविता वल्ली की भाषा कैसी है? सरल, सहज एवं प्रवाहमयी, या ए बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कविता वल्ली की भाषा सरल और सहज एवं प्रवाहमयी है, यानी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँच है आकर्षक में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? देखिएगा रूपक, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कविता में सिद्धमान का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सिद्धमान का अर्थ है दुखी, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 प्रस्तुत कविता में दारिद्र का अर्थ क्या है दोस्तों? दोस्तों दारिद्र का अर्थ है निर्दयी, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 प्रस्तुत कविता में तुलसीदास ने किस दशा का वर्णन किया दोस्तों? देख याद रखिएगा आर्थिक दशा का, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 कविता वल्ली कैसी गुण संपन्न भाषा है? पहला दिया हुआ है भक्ति रस, ऑप्शन बी है प्रसाद गुण, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से दोनों हो जाएगा ना, भक्ति रस और प्रसाद गुण, दोनों ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दस है कविता में वर्णित कौ का अर्थ क्या है दोस्तों? तो कौ का अर्थ है कोई भी, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दरिंदा की तुलना किससे की गई है? तो यह दोस्तों दरिंदा की तुलना रावण से किया गया है, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 तुलसीदास स्वयं को क्या मानते हैं? बताना है तुलसीदास स्वयं को क्या मानते हैं? पहला है लेखक, ऑप्शन बी है कवि, ऑप्शन सी श्री राम का सेवक, ऑप्शन डी है सामान्य पुरुष। बताना है तुलसीदास स्वयं को क्या मानते हैं? दोस्तों वो स्वयं को मानते हैं श्री राम का सेवक, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 8 चैप्टर को कम्प्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 दोस्तों रुबाइया गज़ल जिसका लेखक दोस्तों फिराक गोरखपुरी इसका लेखक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है रघुवीर सहाय फिराक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष दोस्तों 1986, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है रघुपति सहाय, ऑप्शन बी है रामपति सहाय, ऑप्शन सी है रघुराज सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। को बताना है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? दोस्तों उनका मूल नाम था रघुराज सहाय, ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों रघुपति सहाय फिराक का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तरांचल। मतलब बताइए उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो राइट दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों फिराक गोरखपुरी ने आरंभिक शिक्षा किस भाषा में प्राप्त किया?
ऑप्शन ए है अरबी, अरबी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। दोस्तों तीनों भाषा में प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फिराक गोरखपुरी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब हुआ था? फिराक गोरखपुरी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब हुआ था? तो वर्ष दोस्तों 1917, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, फिराक गोरखपुरी ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद संभाला? किस विश्वविद्यालय दोस्तों अध्यापक का पद संभाला? तो अब विश्वविद्यालय दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्तों अध्यापक का पद संभाला, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिराक गोरखपुरी कैसे कवि थे? फिराक गोरखपुरी कैसे कवि थे? दोस्तों वह शायर कवि थे, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर, शायर टाइप का कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, रुबाइया कविता में किस भाषा का अनुष्ठा समन्वय है? बताना है किस भाषा का अनुष्ठा समन्वय है, हिंदी, उर्दू, लोकसभा, बताना है किस भाषा? दोस्तों तीनों भाषा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, प्रस्तुत कविता में फिराक गोरखपुरी ने रुबाइया में किस प्रेम की झांकी प्रस्तुत की? किस प्रेम की झांकी प्रस्तुत की? दोस्तों वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तुत कविता में पिनहाती शब्द का क्या अर्थ है? पिनहाती शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों पिनहाती शब्द का अर्थ है पहनना, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर, ठीक है, पहनना या पहनने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तुत पाठ में रह रह में कौन सा अलंकार है? रह रह में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यह क्या पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चैप्टर नंबर 10, ये दोस्तों आखिरी चैप्टर है, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 9 चैप्टर दोस्तों समाप्त कर चुके हैं, ये बहुत ही कम समय में, मत दोस्तों 40-45 मिनट के अंदर दोस्तों हम लोग चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, मेरा टारगेट है कि 1 घंटा के अंदर दोस्तों 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकें। जो कैंडिडेट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, वो मेरा महामैराथन वीडियो देख के जाएगा तो बहुत कुछ प्रश्न दोस्तों उनसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत प्रश्न उनसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए चैप्टर 10 का क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन दोस्तों, देखो चैप्टर का नाम क्या है, देखो छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, जिसका लेखक कौन है? इसका लेखक दोस्तों उमा शंकर जोशी। इसका पहला प्रश्न है छोटा मेरा खेत कविता में किस तत्व की प्रधानता है? किस तत्व की प्रधानता है? तो दोस्तों काल्पनिक तत्व की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कवि का बीज किसका सहारा लेकर विकसित होता है? कवि का बीज किसका सहारा लेकर विकसित होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है किसान का, ऑप्शन बी है कल्पना का, ऑप्शन सी है भूमि का, ऑप्शन डी है जल का। तो बताना है कवि का बीज किसका सहारा लेकर विकसित होता है? दोस्तों कल्पना का, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि का बीज किसका रूपक है? प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि का बीज किसका रूपक है? फल का, अनाज का, चना, विचार और अभिव्यक्ति का, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यह किया चना, विचार और अभिव्यक्ति का, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, छोटा मेरा खेत कविता के रचनाकार कौन है? दोस्तों हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं उमा शंकर जोशी जी हैं, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उमा शंकर जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? दोस्तों वो राज्य है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य किधर है? ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कवि को कागज़ का पन्ना किसकी तरह लगता है? कवि को कागज़ का पन्ना किसकी तरह लगता है?
दोस्तों खेत की तरह। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत कविता में कवि किसकी बात करता है। प्रस्तुत कविता में कवि किसकी बात करता है। दोस्तों इस कविता में कवि विश्वास रूपी खेत की बात करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उमाशंकर जोशी को किस विषय का गहरा ज्ञान था। किस विषय का गहरा ज्ञान था, परंपरा का कि शिक्षा का कि विज्ञान का कि साहित्य का। दोस्तों उमाशंकर जोशी को परंपरा का गहरा ज्ञान था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कवि की फसल रूपी कविता का उपभोग कौन करता है। कवि की फसल रूपी कविता का उपभोग कौन करता है। तो इसका राइट आंसर तो पाठक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर, जोशी जी निबंधकार के रूप में किस साहित्य में बेजोड़ मानते हैं माने जाते हैं। बताना आपको, जोशी जी निबंधकार के रूप में किस साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। पहला अंग्रेजी साहित्य में, ऑप्शन बी पंजाबी साहित्य में, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य में, ऑप्शन डी गुजराती साहित्य में। वो बताना है किस साहित्य में वो बेजोड़ माने जाते हैं। दोस्तों पंजाबी साहित्य में माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था। उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था। तो 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का 12 नंबर प्रश्न, उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं। चलिए बताइए आप लोग, उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से 10 चैप्टर दोस्तों पूरा पूरे 10 चैप्टर दोस्तों हम लोग कम्प्लीट कर लिए, वो है मात्र 50 मिनट के अंदर। इतना कम समय दोस्तों आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दिएगा अभी तक। दोस्तों पहली बार आएंगे तब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सुधीर क्रिएटिव क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है।